अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन सरोज राव। अच्छा, तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जो वेट लॉस से रिलेटेड है, लेकिन उससे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो वेट लॉस कर रहे हैं और उनका वेट लॉस नहीं हो रहा। उसमें कुछ डिफरेंट रीजंस भी हो सकते हैं, लेकिन आज मैं पर्टिकुलर रीजन पे बात करने वाली हूँ। उसमें एक ये रीजन भी हो सकती है कि आपका डाइटरी पैटर्न नहीं ठीक, आपका डाइट करने का वे नहीं ठीक। लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ कुछ ऐसे अंडरलाइंग इश्यूज पे जो कि आपको नहीं पता होगा कि हो सकता है कि आप में वो इश्यूज पाए जा रहे हैं। अच्छा, आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे आपकी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस पे, आपकी बॉडी की कंडीशंस पे कि जिनको रूल आउट करना बहुत जरूरी है अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा। अच्छा, कुछ ऐसे टेस्ट हैं, तीन तरह के टेस्ट हैं जो कि अगर आपका वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं हो रहा, आप डाइट भी सही कर रहे हैं लेकिन स्टिल आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, तो आपको ये जरूर कराने चाहिए। नंबर वन पे आ जाता है इंसुलिन लेवल चेक कराएं अपना। नंबर वन पे इंसुलिन लेवल है। इंसुलिन लेवल में ये कि आप एक तो अपना इंसुलिन लेवल और एक अपना फास्टिंग ग्लूकोज लेवल चेक कराएं। अगर आपका इंसुलिन लेवल इंक्रीज हुआ है तो दिस इज द साइन कि आपका वेट लॉस नहीं, आपका वेट गेन होगा। कुछ बहुत से लोगों का ये इशू होता है कि डाइटिंग के दौरान का वेट गेन होना शुरू हो जाता है, तो उसकी एक मेजर रीजन ये भी हो सकती है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो। अब होता क्या है कि जब आपका इंसुलिन लेवल एक हद से नॉर्मल हद से बढ़ जाता है, तो फिर जो आपकी बॉडी में एक्सेस जितना भी आप लोग लेते हैं वो एज अ फैट स्टोर होने लग जाता है। तो जिन लोगों की मेल्स में 40 इंचेस से ज्यादा वेस्ट लाइन है और फीमेल में 30 से ज्यादा इंचेस वेस्ट लाइन है, उनको तो डेफिनेटली चाहिए कि वो अपना इंसुलिन लेवल चेक कराएं। इसके बाद जो सेकंड नंबर पर टेस्ट आ जाता है वो है थायराइड टेस्ट, यानी कि आपने T3, T4, TSH और थायराइड एंटीबॉडीज को रूल आउट करना है, क्योंकि थायराइड और हार्मोन को एसोसिएट किया जाता है हमारे मेटाबॉलिज्म के साथ। अगर आपका इवन के थायराइड हार्मोन स्लाइटली सा इंक्रीज हुआ है या फिर कम हुआ है नॉर्मल रेंज से, तो ये इस बात की निशानदेही है कि वो आपका वेट गेन कराएगा। अगर वेट नहीं गेन भी नहीं करा रहा तो आपका वेट स्टक जरूर करेगा, इसलिए आप अपना इंसुलिन लेवल, थायराइड लेवल और ये लाजमी रूल आउट कराएं। इसके बाद जो थर्ड टेस्ट आता है वो है प्रोलैक्टिन टेस्ट। प्रोलैक्टिन जो है वो हमारी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमन में नेचुरली तौर पे इंक्रीज हो जाता है। दिस इज द ऑल्सो द रीजन कि आपका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट गेन होता है। ये भी एक रीजन है, बट इसमें कोई वरी होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें जो कि लाइक स्ट्रेस मेडिकेशन ऐसी जो लोग ले रहे हैं उनका प्रोलैक्टिन लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। प्रोलैक्टिन करता क्या है कि आपके जो फैट को मेटाबॉलिज्म का रेट है उसको स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से आपका वेट गेन होता है या फिर स्टक हो जाता है, आपका वेट लॉस नहीं होता। इसलिए आपने इन तीन, अगर आपको बहुत ज्यादा मसला आ रहा है वेट लॉस में, तो आपने ये तीन अपने जो है टेस्ट ये लाजमी कराने हैं, इंसुलिन, थायराइड और प्रोलैक्टिन टेस्ट। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी अच्छी वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप। थैंक यू।